तो गाइस रिपोर्ट लेके आ गए हैं बड़ी मुश्किल से लाइन लगा के, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दे दी है, यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट गायब कर दी है। मेरी बात सुनो, मत ज्यादा मत घूमो, मेरा प्रेशर बन जाएगा, घर जाना पड़ेगा मेरे को, लेटरिन आ जाएगी। जाओ तुम, कहाँ जाऊँ, जल्दी करो तो तैयार हो। अरे यार तुम तो उठो, तब तो करूंगी मैं। चादर बिछाना है, चादर बिछाना है। तो गाइज आज हॉस्पिटल जाना है, आज सोनोग्राफी मिल जाएगी रिपोर्ट, और उसमें हमारा नन्ना मुन्ना छोटा मुन्ना बाबू दिख जाएगा, है ना? ठीक है, तो आप सबको भी हम दिखाएंगे, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो, और लाइक और सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लोग कमेंट बहुत करते हैं, मैसेज बहुत करते हैं कि ब्लॉग डालो ब्लॉग डालो ब्लॉग डालो, जब डालते तब तो व्यूज तो आते ही नहीं आते। आप लोग कमेंट करो, शेयर करो, व्यूज एक दिन में 2000 व्यूज आ गए ना अगर, तो मैं डेली कैसे भी करके कुछ भी करके रोज ना के वीडियो व्लॉग्स बना लूंगा। और आपको मालूम नहीं है, दिन भी डालेंगे, दिन भर भर के कमेंट आएंगे कि व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग नहीं आ रहे। आपको मालूम नहीं है मैं कितना मस्ती करता हूँ, मैं मस्ती तो बहुत करता हूँ, और मस्ती भी करना भी चाहिए, है कि नहीं, खुश रहना चाहिए। वैसे कल रात को मेरे को डांट पड़ गई थी रश्मि से, पता डेरी मिल्क के पीछे, मैंने डेरी मिल्क नहीं ला के दी थी तो, और पूरी डेरी मिल्क एक ही बार में खा गई हफ्सी। और आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या चीज है, ये बहुत खास चीज है, ये कांच है, ये हमने नए नए जब वीडियो बनाना चालू करा था तब लगवाया था, और इसको हटवाना है यहाँ से, ये देखो ये गंदा हो रहा है, तुम्हारा भाई कांच तो साफ है, है ना, इसको वापस ला दे क्या, ये रूम में होना नहीं चाहिए, इसको हटवा के अपन बाहर लगवा देंगे, क्योंकि क्या है कि कहते हैं कि बेडरूम में क्या नहीं होना चाहिए, कांच नहीं होना चाहिए, समझ गई, चले जाए ऐसे सुबह सुबह बासी मुंह मेरा सामने लेके मत आया करो। तुम्हारे से तो अच्छा ही है, लाख गुना। क्या लाख गुना? हाँ, बासी मुंह वाले। हाँ, बासी मुंह देखने आएंगी तो मैं भी नहा लिया हूँ सुबह 6 बजे से ही, मैं तो वापिस सो गया था नहा के, इसलिए ऐसा हो गया है। तुम झूठे, खुद नहीं नहाती हो, चार चार पांच पांच दिन नाम हमारा लेती हो, वो तो हमारा रंग ऐसा है थोड़ा सा डाउन, तो दिखता नहीं है नहाए धोए, तुम तो इतने गोरे होने के बाद भी ऐसे नहाने के बाद भी बासी दिखती हो। हाँ, नहाने के बाद भी बासी दिखती हो तुम तो। नहीं, नहाने के बाद बासी एकदम फ्रेश दिखती हूँ, बिना नहाए भी फ्रेश दिखती हो। हाँ। कश्मीर के सेब जैसी। हाँ। अरे जाओ बुचांडी, तुम हो गए पुचांडे, छिपकली तुम हो गए छिपकली, काकरोचिनी जो मेरे को बोलो वो तुम। ये बचपन में होता था ऐसा। चलो हाँ, जल्दी जल्दी सारा काम हो जाना चाहिए फटाफट। हाँ तो फटाफट ही कर दूँ। तो गाइस अभी गुड मॉर्निंग, आज जाना है अपने को हॉस्पिटल, रश्मि का चेकअप का खा रखा है। हजमोला, हजमोला दिखाओ, हजमोला का है दिखाओ। तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारे पास टेबल पे क्या क्या पड़ा है, पलंग पे, पहले जब नई नई शादी होती है तो खुशबू आती है गुलाब की, परफ्यूम की, फिर 2 साल बाद विक्स की, आईडेक्स की, फिर 4 साल बाद डायपर की, पॉन्स की, और वो बच्चों का पाउडर कौन सा आता है, पॉन्स वो हिमालय का। हाँ, उसकी खट्टी खट्टी पोटी की तो आएगी नहीं क्या? अरे कहाँ खाली रहे, खट्टा पूछ लग रहा है ये, परिवार बढ़ाएंगे ना, बहुत बढ़ाएंगे। और मौसम देखो कितना सुहाना हो रहा है, बेहतरीन, बढ़िया, हरे भरे पौधे हो गए हैं, जिमी वहाँ खड़ी है, और ब्लॉग नहीं आ रहे थे उसका कारण मैं बताऊंगा। और कहा मैंने ये हजमोला खा ली, बाप रे रश्मि बहुत खट्टी है। और रश्मि बताओ कौन सा मंथ चल रहा है, आज पता चल जाएगा, वो तो सब एक ब्लॉग बनाएंगे प्रॉपर उसके लिए। अच्छा, अभी हॉस्पिटल जाना तो अभी आज सोनोग्राफी दिखाओगी ना, लाके सोनोग्राफी तो दिखाओगी ना आज? आज नहीं, पे? जब ब्लॉग बनाएंगे तब। अबे आज दिखाना, आज मिल जाएगी तुमको सोनोग्राफी। हाँ, दिखा देंगे। तो आज बाबू सबको दिखाओगी पक्का? तो गाइस कमेंट करके बताओ। और देख रहे हो रश्मि के सामने मैं रहता हूँ, तो रश्मि का चेहरा एकदम खिला खिला ग्लो वाला रहता है।
तो गाइस आज हॉस्पिटल जाना है, तो अभी जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर हॉस्पिटल जाना है। आज सोनोग्राफी है जो 6 मंथ में, सॉरी, तो आज सोनोग्राफी है मेरी करवानी है, तो आज जल्दी पहले सब काम फटाफट में निपटा लेती हूँ, उसके बाद फटाफट हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ हो जाती है। तो हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि मेरा किस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और कौन सा मंथ चल रहा है और डिलीवरी डेट क्या है, सब है ना, एक प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो चलते जल्दी जल्दी काम कर लो नहीं तो मम्मी चिल्लाएगी आके। ये देखो चिल्लाए मत रे, और इधर सब लड़कियां देख रही हैं अपने को पीछे से, इधर भी बैठी है, बंद कर लो। तो गाइस रिपोर्ट लेके आ गए हैं बड़ी मुश्किल से लाइन लगा के, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दे दी है, यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट गायब कर दी है। तो गवर्नमेंट में ऐसे ही काम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर आपने तो दोनों ही चल रहा है, अब चलो प्राइवेट में सोनोग्राफी करवाएंगे। तो अभी सोनोग्राफी करवाने जा रहे हैं, वहां पर भी नंबर लगा हुआ है, और ब्लॉग अब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली, क्योंकि रश्मि रोज चिल्ला रही है मुझे, एक रिपोर्ट गायब हो गई, एक रिपोर्ट गायब हो गई, और उससे पूछा कहाँ गई तो बोलता अभी जरूरत नहीं है यूरिन टेस्ट की, तो फिर टेस्ट क्यों लिया था कल? हाँ चलो दुखेगी वो तो, आप क्या कर सकते हैं। तो अभी आ गए हैं अपन प्राइवेट सोनोग्राफी करवाने, जाओ नंबर लगाओ जल्दी, भीड़ नहीं है, हो गया ओपन हो गया। हाँ वीडियो बना सकते हैं, कोई है ही नहीं। तो गाइस अभी बड़ी सोनोग्राफी थी तो आधी हो गई, आधी और बची है, और यहाँ पे डॉक्टर ने बोला है कि जाओ नीचे थोड़ा घूम के आओ, बच्चे की पोजीशन चेंज होगी। तो मैं रश्मि को बोल रहा हूँ कि गोद में उठा के ऐसे ऐसे झूला दूँ क्या, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। मेरी बात सुनो, मत ज़्यादा मत घूमो, मेरा प्रेशर बन जाएगा, घर जाना पड़ेगा, मेरे को लेटरिंग आ जाएगी, आ जाएगी। हैं कहाँ जाऊँ? छिची करने, धर्म नहीं आती है। ये देखो इधर दोनों बैठे हैं बढ़िया मस्त, कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी, ओ पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे या कबूतर जा जा। अरे साजन वो हाथ रख लिया, अरे चलो किसी के उसमें दखल अंदाजी नहीं। रश्मि सही में मेरा प्रेशर बन जाएगा, चलो ऊपर बैठेंगे वहीं, चल कर लो तुम। मैं बोल रही हूँ ऐसा थोड़ा धक्का मुक्की कर देता हूँ, चेंज हो जाएगी ऐसे ऐसे। अरे नहीं होती, पागल हो क्या? अरे यार चलाओ लिफ्ट से चलेंगे, ये लिफ्ट, चलो अंदर, अंधेरा है, चलो अंधेरे का फायदा उठाना, चलो। Thank you.